Hello, everyone, and welcome to Wings JKAS IAS. How are you all doing? My name is Yashodhra Singh Jambal, and those who are new to the channel, do not forget to like, share, and subscribe. राइट सो इन द लास्ट लेक्चर जब मैंने आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था उसमें आपको लेक्चर नहीं था इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो uh, बनाया था जिसमें आई टोल्ड यू कि आई बी डीलिंग विद द करंट अफेयर्स और हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट के साथ राइट नाउ बिफोर स्टेपिंग ऑन टू इन्वायरमेंट डायरेक्टली क्योंकि इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे कि कॉप ट्वेंटी सिक्स सो दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ राइट तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है क्या यू एन एफ सी 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 है क्या उन सबको जानने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए ताकि आपको एक्चुअली समझ जाए कि ये चीजें हैं क्या एनवायरमेंट के रिलेटेड जो आपके इंटरनेशनल कन्वेंशनस हैं वो हैं क्या ठीक है अब डायरेक्टली uh, या तो आपको करंट के हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे आपको मैंने बताया था या तो आपको आपको पूछ सकते हैं कि ये चीज कहां से आई इस चीज में क्या डिसाइड हुआ था ठीक है सो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं so, सो आज का लेक्चर इज गोइंग टू बी अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ताकि आपको करंट अफेयर समझने में थोड़ा सा आसानी हो ठीक है नाउ इसमें जो हम पढ़ेंगे उसमें बेसिकली uh, हम तीन तरीके से पढ़ेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को जो मुझे लगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक है आपका ओजोन रिलेटेड ठीक है एक जो बाकी कन्वेंशन पढ़ेंगे वो है आपका हजार्डस वेस्ट रिलेटेड और तीसरी हम पढ़ेंगे जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा है दैट इज़ योर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कि क्लाइमेट चेंज के बारे में कब इन्होंने बात करना शुरू किया ओजोन रिलेटेड हजारे उस मटीरियल के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें उनके बारे में हम बात करेंगे ठीक है नाउ क्लाइमेट चेंज हम थोड़ी देर बाद में जाएंगे क्योंकि ये बेसिकली 1992 के बाद ही है जब हमने क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया इनिशियली हमने सबसे पहले जो है वो आपका नाइनटीन सेवेंटी के अराउंड जो है हमने ओजोन रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करना शुरू किया था ठीक है सो so, uh, ये जो आपका पूरा का पूरा है ना इन्वायरमेंट के रिलेटेड इश्यूज और ये सब चीज़ें दे बेसिकली स्टार्टेड अराउंड योर 1972 सेवेंटी टू 1972 में आपका स्टॉक होलम डेक्लरेशन होता है जिसमें फ़र्स्ट टाइम हमने बात किया था कि इन्वायरमेंट के कंसर्न्स को लेके हमने बात की थी लेकिन वो सिर्फ कंसर्न्स ही थे हमने कुछ ठोस जो चीज़ें होती है वो हम कर नहीं पाए हालांकि 1972 के बाद 1973 में आपका साइट्स आता है क्या आता है साइट्स आता है कब आता है 1973 में आता है आपका दैट इज़ योर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जिसमें हमने एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात करना शुरू किया था जब हम इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात करते हैं ना वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ फ्लोरा एंड फोना ठीक है इसमें आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के दोनों जो है वो रिलेटेड है ठीक है सो एक आपका साइट्स आया 1973 में दैट इज़ फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ लेकिन जो एक्चुअली में आपका ओजोन रिलेटेड चीज़ें है ना दे बेसिकली हैपन इन 1985, ऐटी फाइव सो कब हुआ आपका 1985 में नाउ अभी हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं याद रखिएगा अभी हम आपका ओजोन रिलेटेड जो आपके इंटरनेशनल कन्वेंशनज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है अब इसको टाइम स्केल की तरह हम नापेंगे नाउ सबसे पहले आपका होता है कन्वेंशन क्या होता है कन्वेंशन कब होता है आपका 1985 में होता है नाउ ये जो शब्द है ना आप उन्हीं को समझना ठीक है नाउ दिस वियना कन्वेंशन ये को रहना है यहां पे नाउ दिस कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कन्वेंशन का बेसिकली मतलब होता है जहां पे सब कंट्रीज उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं दे ऑल सिट टुगेदर एंड दे ऑल डिस्कस दे ऑल व्हाट व्हाट डू दे डू दे ऑल डिस्कस दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डू व्हाट आर द कंसर्न्स हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट इट उन सब के बारे में डिस्कशन होता है सो so, कन्वेंशन में क्या होता है आपका डिस्कशन होता है ठीक है सो वियेना कन्वेंशन में ये लोग सब आते हैं जितनी भी कंट्रीज होती हैं दे ऑल कम एंड दे ऑल टॉक अबाउट वॉट दे टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ़ ओजोन ठीक है किसके बारे में बात होती है ये सब बात करते हैं कि हमको ओजोन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है क्योंकि क्या हुआ था आपका ओजोन होल जो है वो हो रहा था सो so ओजोन के बीच में जो होल हो रहा था दैट इज़ अंटार्कटिका में सबसे पहले जो है ओजोन होल को डिटेक्ट किया गया था तो ओजोन ओके आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताना कि अंटार्कटिका का जो जो होल है वो फर्स्ट टाइम कब पाया गया था और सेकेंड ऑफ ऑल आप मुझे ये भी बताना कि अंटार्कटिका क्या है इट इज़ अ पोलर एरिया ठंडी जगह है तो वहाँ पे होल कैसे हो गया ही बात है ना ओजोन होल का मतलब क्या हुआ इट इट स्टॉप्स द रेडिए ओजोन स्टॉप्स द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ़ द सन टू एंटर द अर्थ राइट तो ठंडी एरिया में वो होल कैसे हो गया तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट यू नो अबाउट इट इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट आई विल मेक अ वीडियो या फिर जो मैं करंट पढ़ाऊँगी उसमें जब मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो सब चीज़ें बताऊंगी तब मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है ओके लेट्स मूव अहेड हेड तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुई ओजोन होल डिटेक्ट हो चुका है भैया और अब हमको क्या करना है जो हमको प्रोटेक्ट है वो हमको ओजोन को प्रोटेक्ट करना है और ये क्या था ये सिर्फ एक कन्वेंशन थी जहाँ पे ऑल द कंट्रीज दे ऑल सेट एंड दे बेसिकली डि डिड नथिंग बट दे दिड चर्चा इन्होंने चर्चा किया इस टॉपिक के ऊपर मतलब क्या किया डिस्कशन किया इस चीज के ऊपर उसके बाद जो सेकेंड चीज आती है इसी के ठीक बाद दैट इज वॉट मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल अब देखो शब्द बदल चुके हैं पहले कन्वेंशन था अब आ गया है जी प्रोटोकॉल कब आया है ये 1987 में ये प्रोटोकॉल आया था हाउ एवर इट केम इन टू फोर्स इन नाइनटीन ठीक है सो मॉन्ट्रायल प्रोटोकॉल आता है प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है द रूल्स एंड रेगुलेशन विच ऑट टू बी फॉलोड ठीक है ये वो रूल्स और रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने ही करने हैं वो है आपका मॉन्ट्र वो है आपका प्रोटोकॉल नाउ दिस मॉन्ट्रायल प्रोटोकॉल याद रखिएगा ये लीगली बाइंडिंग था क्या था जी लीगली बाइंडिंग था कि जो भी इसको साइन कर रहा है आपको लीगली इसको योर लीगली बाइंडेड आप बाउंड हो कि आपको ये चीजों को करना है नाउ इस कन्वेंशन में बेसिक इस प्रोटोकॉल में बेसिकली बात क्या हुई थी इस प्रोटोकॉल में बात हुई थी कि आप क्या करेंगे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस हैं और फिर हम एक टाइमलाइन डिसाइड करेंगे कि हम उनको कब से और कौन से लेवल के हिसाब से कम करने वाले ठीक है ताकि ओजोन जो है वो बच जाए ठीक है अब इसमें सबसे पहले बात क्या हुई इसमें बात हुई कि हमको यू नो थिंग्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हाइड्रो इन सब चीज़ों को क्या करना है एंड मैनी अदर ऑफ कोर्स मिथेन है आपका मिथेन है आपका नाइट्रस ऑक्साइड है उन सबको हमको क्या करना है उन सबको हमने फेज आउट करना है ठीक है तो इन सब चीज़ों को हमने फेज आउट करना है और इसके बारे में बात हुई थी आपके किसमें ये जो है आपके मॉन्ट्रायल प्रोटोकॉल में ठीक है अब इन्होंने बोला कि यार अगर तुम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हटा दोगे सब चीज़ें हटा दोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे राइट right, तो इन्होंने बोला कि ठीक है यार तुम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हटा दो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अल्टरनेटिव के हिसाब से तुम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को इस्तेमाल करो क्या करो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को तुम लोग इस्तेमाल करो क्योंकि क्लोरीन जो है ना वो आपका रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और ओजोन को तोड़ देता है ठीक है ओ टू और ओ में इसको तोड़ देता है जिसके चलते क्या हो जाता है आपका जो ओजोन है वो टूट जाता है ठीक है तो उन्होंने बोला कि क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोबन का ऑल्टरनेटिव आप यूज करिए एज हाइड्रोफ्लोरो ठीक है, है क्लोरीन नहीं था नाउ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था अगर आपको पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ है तो याद रखिएगा द फर्स्ट मीटिंग हैपन एट हेल्थ ठीक है हेल्थ में फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की नाउ सब कुछ ठीक चल रहा था ओजोन भी हम लोग बचाने में सक्षम चल रहे थे अब 2016 के अराउंड एक और कंसर्न जो है वो सामने आता है और वो ये था कि हम लोगों ने रिड्यूस तो कर दिया है ओजोन का डिप्लीशन कि ओजोन का डिप्लीशन तो हम लोगों ने रोक दिया है लेकिन हम लोगों ने जो एक और चीज़ को जन्म दे दिया है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग और अब जो है कंसर्न शुरू हो गए आपके ग्लोबल वार्मिंग को लेके हाउ एवर में ही जब हमारा रियो सब्मिट हुआ जिसके तो बारे में हम आगे बात करेंगे उस टाइम पर ही कंसर्न शुरू हो गए थे लेकिन यहाँ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग को स्पेसिफिकली बात किया गया बात क्यों किया गया क्योंकि जो हमने सी एफ सी का जो ऑल्टरनेटिव बताया था ना हाइड्रोफ्लोरोबनस दीज हाइड्रोफ्लोरोबन वर नॉट ओडीएस डी आर ओडीएस ओडीएस का मतलब है ओजोन डिप्लीटिंग

ठीक है सो so, क्या हुआ इन्होंने बोला कि ये जो हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो हमने ऑल्टरनेटिव बोला है यार दिस इज हाईली वॉट दिस इज हाईली ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग गैस तो इसको तो हम यूज नहीं कर सकते तो इन्होंने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना अब इसका ऑल्टरनेटिव लेके आते हैं और फिर आपके इसका ऑल्टरनेटिव आया एज हाइड्रोफ्लोरोलिफिन क्या आया हाइड्रो फ्लोरो ऑलिफेन और ये क्या है ये बेसिकली अमेंडमेंट है अमेंडमेंट किस चीज की है सी एफ सी से हम लोग एच एफ सी पे गए और एच एफ सी से हम लोग किसके ऊपर गए हैं एच एफ ओ के ऊपर गए हैं इसको हम बोलते हैं प्यार से एस की गाली अमेंडमेंट कब आया है ये दो हजार में ये आया है तो हमने क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा आपका वियना कन्वेंशन कब आया है 1985 में आया है ठीक है हाउ एवर में इट एक्चुअली केम इंटू फोर्स उसके बाद 87 में हम लोगों ने बात किया है मॉन्ट्राइल प्रोटोकॉल का और इट केम इंटू फोर्स इन 1989 और फाइनली आपका अमेंडमेंट आता है दैट इज़ योर किगाली अमेंडमेंट ओके सो आपको समझ आ गया ना किगाली अमेंडमेंट क्या है अब ये अमेंडमेंट किस चीज़ की है ये अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है ये आपके मॉन्ट्रायल प्रोटोकॉल का ही अमेंडमेंट है ठीक है सो ये मोन्स्रायल प्रोटोकॉल का ही अमेंडमेंट था नोन एज योर किगाली अमेंडमेंट ठीक है सो इसमें क्या किल्टरनेटिव यूज करना है आपको हाइड्रोफ्लोरो का जो है आपको ऑल्टरनेटिव यूज करना है क्यों बिकॉज इट वॉज लो ग्रीन हाउस गैस क्लियर ओके सो दिस वॉज अबाउट योर ओजोन अगर आप इतना भी याद रखेंगे इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर एंड यू फॉर यू टू अंडरस्टैंड द दिंग पार्ट ऑल्सो now the second thing which we are going to talk about is your hazardous waste. ठीक है Now hazardous waste के बारे में अगर हम बात करेंगे ना सो देर आर थ्री थिंग्स जो हम सबसे ज्यादा जो है जिसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है अब इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे आपको सीक्वेंस में याद रखना है बी आर एस ठीक है बी से इट इज बेसल कन्वेंशन आर से इज इट इज रोटरडैन कन्वेंशन एंड नेक्स्ट इज योर स्टॉक होलम कन्वेंशन ठीक है ये आपके तीन इंपॉर्टेंट वेस्ट रिलेटेड कन्वेंशन हैं ये बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर दजार्डियस वेस्ट और दूसरी चीज एक तो आपको डायरेक्टली पूछते हैं दूसरी चीज आपको पूछ सकते हैं कि ये तीन कन्वेंशन में फर्क क्या है देखो हमने देखा ना आपका पीछे भी वियना है मॉन्ट्रियल है कि गाली है उन तीनों में फर्क है सिमिलरली इन तीनों में भी फर्क है अब वो फर्क क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे नाउ एक लेट जो हाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ठीक है ओके सबसे पहले हम बात करेंगे आप ज्यादा बढ़ गया ये तो लेट्स कीप इट इतना है ना थोड़ा सा कम ठीक है ओके सबसे पहले हम बात करेंगे आपका बेसल कन्वेंशन के बारे में ठीक है बेसल कन्वेंशन की बात होगी तो याद रखिएगा ये कब एडॉप्ट हुआ था इट इट वॉज एडॉप्टेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च नाइनटीन एटी नाइन जब बेसिकली एक आपकी मीटिंग हुई थी आपके कहाँ पे बेसल और बेसल कहाँ पे है स्विट्जरलैंड वहां पे एक मीटिंग होती है जहां पे जो बेसल कन्वेंशन है उसको एडॉप्ट किया जाता है नाउ अब हम बेसल कन्वेंशन की बात करें तो बेसल कन्वेंशन बेसिकली था क्या बेसल कन्वेंशन का मतलब है कि यहां पे हम बात कर रहे हैं ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट किसकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट आपके हजार्डस वेस्ट की ठीक है अब बेसिकली याद रखिएगा इसमें जो सबसे पहली चीज के बारे में बात किया गया दैट इज़ योर ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ़ हजारडियस वेस्ट प्लस इसका डिस्पोजल कि किस तरीके से जो हजारडियस वेस्ट है उसका डिस्पोजल हो रहा है अगर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रहा है आपके वेस्ट का तो वो किस तरीके से हो रहा है उस चीज़ के बारे में हमने फर्स्ट टाइम बात की थी आपके बेसल कन्वेंशन में और इसमें जो है बेसिकली बात हुई थी डिवेल्प कंट्रीज़ और अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ के बारे में कि कैसे जो डिवेलप कंट्रीज़ हैं वो आपके अंडर डिवेलप कंट्रीज़ को हजारडियस वेस्ट को बेच देती हैं और फिर बेचारी अपना जान छुटाने के लिए जो है उन लोगों को जो है ये हज़ार इस बेस का पूरा जिम्मा उठाना पड़ता है ठीक है नाउ नेक्स्ट अप बी ये था आपका बेसल, नेक्स्ट आता है आपका रोटरडैम नाउ जब हम रोटरडैम डैम की बात करते हैं ना रोटरडैम कन्वेंशन की बात करते हैं इसको याद रखिएगा ये 1998 में आया था ठीक है अब इसका जो आपको चीज याद रखनी है दैट इज अभी कभी भी आपको पूछे रोटरडैम के बारे में तो याद रखना इट टॉक्स अबाउट व्हाट इट टॉक्स अबाउट Prior informed consent procedure, प्रायर informed कंसेंट प्रोसीजर इस शब्द को आपको नहीं भूलना ये आपका कीवर्ड है क्या है ये आपका कीवर्ड है कि अगर इस वर्ड को पूछा जाए और आपको पूछे कि ये कौन से वाले कन्वेंशन में था तो आपको याद रखना है वो डॉटरडाम कन्वेंशन में था नाउ इसमें क्या बात हुई इसमें बेसिकली बात हुई है आपके कुछ सर्टन पेस्टिसाइड्स मतलब जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बात हुई इसमें बेसिकली बात किया गया था कि अगर आप कोई भी ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट करें ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बताना है कि जैसे कि ये चीज़ आप ये वाला चीज़ जो है वो बेच रहे हैं तो इस चीज़ को आप लेबल करो कि इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं दूसरी चीज़ उन चीज़ों में क्या क्या हजारडिज़ वेस्ट इन्वॉल्व हैं इसके अलावा क्या आपकी कंट्री में इन uh, वेस्ट को लेके कोई भी यू नो लीगली बाइंडिंग चीज़ें हैं कि आप इन uh, वेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते या इन वेस्ट को कैसे हैंडल करना है तो उन सब चीज़ों के बारे में बात हुई थी आपके प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की मतलब आपको आपको पूरा इन्फॉर्म करना है दूसरी कंट्री को कि जो आप दूसरी चीज़ दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं उसमें बेसिकली है क्या उससे बेसिकली हो क्या सकता है और उससे बेसिकली आप अपनी कंट्री में कैसे फाइट करते हैं ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा ना वेरी मतलब इसका कोई रिलेशन तो नहीं है इसके साथ पर आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो ना तो आपको पीछे लिखा होता है कि आ, आ, जैसे कि अगर आप कॉस्मेटिक की चीज़ लेते हो उस पर लिखा होता है कि ये अपनी आंख पे नहीं लगना चाहिए कीप योर आईज़ क्लोज वाइल यूजिंग इट कीप कीप डिस्टेंस फ्रॉम योर आईज़ ठीक है फिर आपको लिखा होता है वहां पे जस्ट इन केस इट गोज इन योर आइस तो आपको क्या करना है पानी के साथ ठंडे पानी के साथ इसको साफ करना है तो वो सब चीजें क्या वो सब कुछ नहीं है वही है आपका प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर कि पहले ही आप इन्फॉर्म कर दो कि भैया इस चीज से ये ये चीजें हो जाती हैं और अगर ये चीज होगी तो आपको इसको कैसे फाइट आउट करना है ये है आपका रॉटडम कन्वेंशन तीसरे नंबर पर जो चीज आती है दैट इज योर स्टॉक होलम कन्वेंशन स्टॉक होलम कन्वेंशन कब आया है याद रखिएगा इट वॉज एडॉप्टेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मे टू थाउजेंड एंड वन इन स्टॉक होलम स्टॉक होलम कहां पर स्वीडन में है ठीक है हाउ एवर इट एंटरड इन टू फोर्स कब सतारा मे दो हजार चार ठीक है दोनों में फर्क है इट वॉज एडॉप्टेड इन टू थाउजेंड एंड वन एंड इट केम इन टू फोर्स ऑन टू थाउजेंड एंड फोर है आपका स्टॉक होलम कन्वेंशन अब जैसे मैंने आपको बताया कि रोटरडैम का आपको याद रखना है प्रायर इनफॉर्म्ड कंसेंट इसका जो की वर्ड आपको याद रखना है दैट इज योर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इसमें बात होती है पी ओ पीस की किसके बारे में बात होती है पी ओ पीज के बारे में इसमें बात होती है दैट इज योर प्रसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट ना वॉट इज दिस प्रसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट दीज आर बेसिकली दोज पोल्यूटेंट देखो पोल्यूटेंट तो आपको पता है ना पोल्यूटेंट का मतलब हो गया जो चीज़ किस चीज़ को गंदा करती है पोल्यूट करती है दैट इज़ ए पोल्यूटन ठीक है प्रसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटन का मतलब ये हो गया देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना क्या क्या है आपका क्लाइमेट है आपका सोलर रेडिएशन हैं आपका रेनफॉल है आपका बहुत कुछ है तो वो एक मटीरियल को क्या करता है ब्रेक डाउन कर देता है देखते हैं ना आप कि वेदरिंग से कोई चीज़ टूट जाती है राइट right? डेपोजिशन uh, ये सब चीज़ों से जो है uh, जब मूवमेंट होती है तो चीज़ें ब्रेकेज आ जाती हैं उनमें नाउ दीज प्रसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आर दोज पोल्यूटेंट्स जो ब्रेक आउट नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसीजर से ठीक है जो चीज़ नेचुरल प्रोसीजर से ब्रेक डाउन नहीं होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मैं आपको इसका एग्जाम्पल आगे देती हूँ ठीक है तो ये समझ आ गया आपको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं अब इसके बारे में कहाँ बात हुई इसके बारे में बात होती है स्टॉक कन्वेंशन में ठीक है सो दीज आर जो आपके पी ओ पीज होते हैं दीज आर बेसिकली दो हु डू नॉट डिग्रेड इन्वायरमेंट इन बिकॉज ऑफ एन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट के चलते आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं वो आता है आपके प्रसिस्टेड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में नाउ याद रखना इन्होंने बोला कि यार अब हम बताएंगे कैसे कि ये है कौन से अब आइडेंटिफाई करना तो जरूरी है ना कि हु आर पी ओ पीज तो इसीलिए उन्होंने क्या किया इन्होंने बेसिकली दो कन्वेंशनस बन बैठाई जिसमें इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे वो जो है एक लिस्ट को तैयार करेंगे जिसमें लिस्ट किस चीज़ की होगी आपके प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की लिस्ट होगी और इस प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की जो लिस्ट बनी थी उसको हम प्यार से बोलते हैं डर्टी डजन डर्टी डर्जन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये लिस्ट बनी थी तो उसमें कितने थे उसमें 12 पी के नाम थे हाउ अब ये 12 नहीं रहे अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अगर हम बात करें तो लेटेस्ट जो चीज़ इसमें ऐड हुई है दैट इज़ योर प्लास्टिक प्लास्टिक हैज बीन लॉट इन न्यूज़ आई एल बी कवरिंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स फर्स्ट टाइम जो है आपके जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो आपके पेंगुइन में पाए गए हैं आपके माउंट एवरेस्ट में पाए गए हैं आपके ह्यूमन ब्लड में जो है माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए अब ये माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या हैं ये इतने ख़राब क्यों हैं और किस तरीके से ट्रैवल होते हैं? वो सब चीज़ों के बारे में विल टॉक आहिस्ता आहिस्ता जो आपको प्रिलिमिनरीज एज वेल एज मेंस में भी बहुत फायदा देगा अगर आपने इस बारी का मेंस देखा होगा तो प्लास्टिक अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पंद्रह नंबर का वो क्वेश्चन था या फिफ्टीन फिफ्टीन नंबर का वो क्वेश्चन था ठीक है सो वॉट इज इट अब इसमें क्या ऐड हो गया इसमें आपका प्लास्टिक भी जो है वो एड हो चुका है तो याद रखिएगा इनिशियली क्या था आपका डर्टी डजन था तो डर्टी डजन किस में आया है आपका याद रखना है आपको कि स्टॉक कन्वेंशन में आया है डन इसीलिए है क्योंकि उस टाइम पे लिस्ट में बारह चीजों के नाम थे और आज के टाइम पे जो ये लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हो चुकी है ठीक है इसी के साथ लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स केमिकल्स जिनके ऊपर बैन लगाया गया कि आप इन चीजों को यूज नहीं करें हाउ एवर देखो ये नहीं होता है कि आज ये कन्वेंशन बैठी तो बोला भाई इसको खत्म करो तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है हम नहीं यूज करेंगे ऐसा नहीं होता है इस चीज को रिलेटेड जो भी हमारे मटीरियल बने हुए हैं इन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं ना तभी ये चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं ट्रेड हो रहे हैं तो इनका एक ऑल्टरनेटिव जो है वो पहले निकालना पड़ता है और फिर इन चीज़ों के ऊपर बैन लगता है ऐसे नहीं कि कोई भी फ्री फंड में कोई भी बोलेगा कुछ भी तो हम उस पर रोक लगा देंगे रोक लगता है लेकिन टाइम मांगा जाता है कम से कम दस से बारह साल मांगे जाते हैं कि हमको दस से बारह साल लो ताकि हम इसको कम्प्लीटली फेज़ आउट कर सके फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रांस फैट्स को देख लो ट्रांस फैट्स के ऊपर भी जो आपका यू नो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उन्होंने बोला है कि हम दो हज़ार तेईस तक जो है बिल्कुल फेज़ आउट करने वाले हैं ट्रांस फैट्स को ठीक है ये यू इन वालों ने बोला है लेकिन इंडिया ने भी कुछ टाइम मांगा उन्होंने बोला कि ठीक है हम 2025 तक इतना ख़त्म करेंगे और फिर 2030 तक हम इतना ख़त्म कर देंगे क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है ट्रांसफैट्स के बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले क्योंकि ट्रांसफैट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक तरीके का कहते हैं ना बीमारी का घर बन चुका है ट्रांसफैट्स होते क्या हैं ये सब चीजें हम आगे करेंगे सो डोंट वरी इज इज़ अ लॉट टू नो मैं बस आपको थोड़ा सा आगाह कर रही हूँ कि क्या क्या लेक्चर्स में आने वाला है ठीक है सो दिस वॉज योर स्टॉक होलम डेक्लेन नेक्स्ट टॉक अबाउट योर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन जब भी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं ना तो आपको 1992 का साल जो है वो कभी नहीं बोलना कौन सा साल 1992 का जो ईयर है वो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना नाउ दिस 1992 नाइन्टी टू वॉज बेसिकली ये वाटर शेड ईयर फॉर योर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन वाटर शेड का मतलब क्या होता है जब एकदम से पानी गिरता है ना एकदम धड़ाक करके सब तहस नहस कर देता है सिमिलरली इसमें भी हमने फर्स्ट टाइम वाटर शेड जो है कन्वेंशंस uh, लाई थी ढेर सारी कन्वेंशन लाई थी प्राइम फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज में क्या ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है हाउ एवर अब इन चीज़ों का रेलिवेंस रह नहीं गया है रह क्यों नहीं गया है क्योंकि जैसे आपका जो कॉप ट्वेंटी सिक्स हुआ है उसमें हमने जो है टारगेट सेट किए हैं दो हज़ार तीस तक जो है हम फिफ्टी परसेंट जो है हम फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर देंगे और नेचुरल तरीके से जो है एनर्जी को अटेन करेंगे 2070 में हम जो है पूरे के पूरे न्यूट्र नेट ज़ीरो एमिशन के ऊपर आ जाएंगे लेकिन ये सब चीज़ें ना अब सिर्फ कहने को रह गई हैं क्योंकि अभी जो हाल ही में आई की जो सिक्स रिपोर्ट आई है ना उसका सेकेंड एडिशन जो आया है सिक्स रिपोर्ट का सेकेंड एडिशन जो आया है उसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये जो टारगेट्स हैं ना ये बहुत दूर दराज के हैं और अगर आप अगर आपको लगता है कि इन टारगेट्स के साथ आप क्लाइमेट को बचा सकते हो तो यू आर हाईली मिस्टेकन वी एज ह्यूमन्स हैव यू नो ऑलरेडी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द इन्वायरमेंट अब उसको हम अंडू नहीं कर सकते हैं हम बस उससे उस चीज़ को फाइट करने के लिए अपने आप को रिजिलियंट बना सकते हैं उस चीज़ को ठीक नहीं हम कर सकते तो दिस इज़ एक्चुअली जो आपके आईपीसीसी का जो लेटेस्ट सिक्स रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ कहा गया है कि अब टाइम जा चुका है जिसमें हम इतनी लंबी लंबी जो हमने ये जो बातें की हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है अगर कुछ हो सकता है तो आप रीजनल यू uh, नो you know, असेसमेंट करो रीजन छोटे छोटे रीजन्स के ऊपर असेसमेंट करो कि ये रीजन ये काम करेगी ये रीजन ये काम करेगी छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ मतलब छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ पाँच पाँच छः छः दस दस साल के ये जो पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल के टारगेट्स हैं उससे अब कुछ नहीं होने वाला है और उसमें बहुत सी चीज़ें जो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे सो so, क्लाइमेट चेंज बेसिकली मैंने इसके बारे में इसलिए बात की क्योंकि 1992 में हमने बहुत सारे टारगेट्स जो है वो सेटअप किए थे क्योंकि उस टाइम पे हमको पता नहीं था कि दिस ग्लोबल वार्मिंग ये क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकती है नाउ अगर हम 1992 की बात करें कभी भी नहीं भूलना यहाँ पे एक समिट हुआ था और उस समिट को हम प्यार से बोलते हैं अर्थ समिट क्या बोलते हैं हम इसको प्यार से बोलते हैं अर्थ समिट या बोलते हैं रियो समिट ठीक है सो याद रखिएगा इसको बोला जाता है अर्थ समिट या रियो समिट कहते हैं और अर्थ समिट कहां पे हुई थी ऑब्वियसली रियो में हुई थी इसलिए इसको रियो जो समिट है वो कहा जाता है कब हुई थी जून के महीने में हुई थी जून 1992 में जो है ये समिट हुआ था ठीक है सो बेसिकली इसमें ये चीज के बारे में जो है वो बात हुई थी ठीक है ओके सो ठीक है ऑल राइट सो दिस वॉज अबाउट योर रियो समिट अब बेसिकली इसमें बात हुई क्या थी आपके रियो समिट में याद रखिएगा रियो समिट के बारे में जो आपको बेसिकली जो चीजें याद रखनी है ना कि इस रियो समिट का बेसिकली आउटकम क्या था इसका आउटकम क्या हुआ इसके रिजल्ट क्या हुआ कि जब ये सब कंट्रीज मिलती है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ इसका रिजल्ट होता है कि यहां पर वेरी इंपॉर्टेंटली इसको लिख लीजिएगा इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाहर आते हैं क्या आते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके बाहर आते हैं वॉट आर द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नंबर वन वॉज रियोडेक्लोरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पहली चीज सेकेंड चीज जो बाहर आती है दैट इज योर एजेंडा ट्वेंटी वन और जो तीसरी चीज आती है दैट इज योर फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स ठीक है ये तीन जो है वो डॉक्यूमेंट्स बाहर आते हैं इसको याद रखिएगा पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि रियो डिक्लेरेशन के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बाहर आए थे सो so ये तीन क्या है आपके तीन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आते हैं दैट इज रियो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट सेकेंड इज एजेंडा ट्वेंटी एंड थर्ड इज योर फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स अगर एजेंडा ट्वेंटी के बारे में बात करें सो एजेंडा ट्वेंटी वन वो वॉज बेसिकली अ प्लान ऑफ एक्शन ये एक प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया था एंड ये आउटकम किसका था ये बेसिकली आउटकम था आपका यू एन सी ई डी का जो है ये आउटकम था नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने ये वर्ड यूज़ किया है तो आप ये मत सोचना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में फर्स्ट टाइम इधर बात हुई थी फर्स्ट टाइम यहाँ बात नहीं थी, बात हुई थी फर्स्ट टाइम आगे बात हुई थी वो हम आगे की बात करेंगे यहाँ पे बस बेसिकली इस चीज़ के बारे में बात हुई थी कि हमको जो भी चीज़ें करनी है वो हम हमको इस तरीके से करनी है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से पूरा पूरा तबाह ना हो जाए उसके बारे में हमने जो है इसमें बात

तो इट इज़ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी नाउ हो सकता है कि आप में से कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दें कि मैम ये चीज़ें पूछी नहीं जाती यू नेवर नो क्या पूछी जाएंगी क्योंकि अगर आपने पेपर देखा है दो हज़ार इक्कीस का तो उसमें पूछा गया है कि ब्रिक का जो नाम है वो किसने रखा था तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा करंट के हिसाब से आएगा तो आपको पुरानी चीज़ों का स्टैटिक भी पूछ सकते हैं तो इसलिए आई एम डूइंग आई एम ट्राइंग टू कवर एवरी थिंग जो जिस हिसाब से आपको पूछ सकते हैं ठीक है सो कॉमेंट सेक्शन में आप ये मत लिखना शुरू कर देना कि मैम ये इतनी पुरानी चीज़ें आप थोड़ा पूछेंगे तो ब्रिक्स का भी जो है जिसने उसका नाम जो है कॉइन किया था उसका नाम भी नहीं पूछते अगर पुराने बातों के दु चीजों के ऊपर नहीं जाते तो सो दे कैन आस यू एनी थिंग ठीक है एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और बेसिकली ऑल दो प्रिंसिपल्स जिसमें फॉरेस्ट कंजर्व करने के बारे में बात किया जाएगा सो दीस वर वॉट दीज वर द्री डॉक्यूमेंट विच केम आउट नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली रियो सबमिट के बारे में हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे टू इम्पॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स आए थे क्या आए थे लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स आए थे वॉट वर द टू एग्रीमेंट नंबर वन वॉज सी नाउ बेसिकली दो नहीं थे ये बेसिकली तीन थे आपके एक आगे आपका सी बी डी दैट इज योर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नंबर टू वॉज यू एन एफ सी 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 दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सो इसको लिख लीजिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दिस वॉज द थर्ड थिंग विच केम आउट सेकेंड थिंग विच केम आउट और जो तीसरी चीज जो आई थी दैट वॉज बेसिकली योर यू नो यू एन सी सी डी ठीक है जिसमें क्या है दिस वॉज बेसिकली टू कम बैट डिजर्टिफिकेशन ठीक है अब नाउ वी गोन्ट टॉक वन बाय वन फॉर ऑल दीज थिंग्स नाउ अगर हम आपका सबसे पहले बात करें आपका इसका सी का सो बेसिकली सी जो है वो बात करता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसमें बेसिकली हमने बात किया था कि हमको जो बायोडाइवर्सिटी है ना उसको कंजर्व करना है और जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं वी टॉक अबाउट बोथ फ्लोरा एंड फोना ठीक है फ्लोरा एंड फोना दोनों को जो है हमको कंजर्व करना है उसके बारे में हम बात करते हैं सीबीडी में ठीक है जो भी है हमको सस्टेनेबल यूज करना है चीजों का अगर हम कोई भी चीज को जेनेटिकली यू नो मॉडिफाई कर रहे हैं ला रहे हैं तो उसको हमको इक्विटेबल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि लोगों को भी जो है बाकियों को भी उसका फायदा हो कब आया था यह आपका नाइनटीन में ही जो आउटकम था आपका रियो डिक्लेरेशन का उसके साथ आया था ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है आपका यू, आपका यू एन एफ़ सी 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 क्या है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिकली कन्वेंशनज है ना मतलब कि लोग आके मिलते हैं तो क्या होता है इनका सब पार्टीज आके मिलती है तो इसको हम बोलते हैं कॉप तो अगर आप कभी भी कॉप पढ़ते हैं ना तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कॉप किस चीज़ की है यू एन एफ सी सी की है या किसी और चीज़ की कॉप हो रही है सो कॉप इज़ बेसिकली योर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ठीक है नाउ ये बेसिकली जो यू था ना ये बेसिकली से मैंने आपको बोला कि टू लीगली बाइंडिंग ये बेसिकली लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन एज ए कन्वेंशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं लीगली बाइंडिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे दो चीजों के बारे में बात किया गया था वन इज योर क्योटो प्रोटोकॉल एंड सेकेंड इज योर पेरिस एग्रीमेंट ठीक है ना दिस केटटो प्रोटोकॉल दीज टू थिंग्स वर बेसिकली आउटकम्स ऑफ योर यू जब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता मिलने शुरू होते गए क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है तो ये नंबर ऑफ मीटिंग्स में जब मिलते थे तो कुछ कुछ बातें करते थे कुछ कुछ बातें करते थे तो उन चीज़ों के जो है हमने अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में जो है उनका आउटकम लाया है क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये कॉप थ्री में जो है क्योटो प्रोटोकॉल आया था जिसमें इन्होंने बोला कि हमको क्या करना है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है और फर्स्ट टाइम सी बी डी आर के बारे में क्योटो प्रोटोकॉल में ही बात हुई थी सी बी डी आर दैट इज कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज दैट इज योर सी बी डी आर ठीक है इन्होंने बोला कि हम सबका कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है बट इट इज स्टिल डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड इसीलिए देखो जब भी अगर आपने कभी नोट किया तो हम क्या बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल एरा पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा क्योंकि ये जब इंडस्ट्रीज़ बनने शुरू हो गई जब ये ग्लोबलाइजेशन अपने चरम सीमा पर आ गया नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ दे केम अप मशीनरी नंबर ऑफ मशीनरीज दे केम अप उसके बाद ही तो ये ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें आई हैं तो इन्होंने बोला कि भाई जो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ग्लोबल वार्मिंग की वो आती है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर सो डेवलप कंट्रीज आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए सो so, इन इनडेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से क्या हो रहा है अब अंडर डेवेल्प या डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर भी जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ग्लोबली जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है सो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज कॉमन बट डिफ्रेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके अंडर आया था क्योटो प्रोटोकॉल uh, के अंडर आया था और तब इन्होंने बात किया कि हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को लाएंगे एमिशन का ट्रेडिंग करेंगे जॉइंट इंप्लीमेंटेशन करेंगे नाउ दिस कार्बन एमिशन ट्रेडिंग क्या होती है वो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है कमिंग लेक्चर्स में करते जाएंगे नेक्स्ट अब वर्ज द पैरिस एग्रीमेंट पैरिस एग्रीमेंट आता है आपका 2015 में याद रखिएगा कॉप ट्वेंटी वन में ये बड़ा ज़रूरी है इसके क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं वेन इट केम इंटू फोर्स दो हज़ार बीस में ठीक है नाउ दिस जो पैरिस एग्रीमेंट है ये बेसिकली बात करता है कि हमको दो चीज़ों के बारे में बात करता है कि भाई हमको जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है ना उसको दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने नहीं देना है क्योंकि अगर दो डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो जो इसके रेपकॉशन है वो आप उनको अंडू नहीं कर पाएंगे तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसको बिलो रखना है टू डिग्री सेल्सियस तक ठीक है फर्स्ट चीज़ सेकंड चीज़ बोलती है कि दो डिग्री सेल्सियस तक तो दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट कि यहां तक तो आने ही नहीं देना है और जो दूसरी चीज़ इस एग्रीमेंट में बोलते हैं वो ये कहते हैं कि भाई दो डिग्री तो हो गया लेकिन हमको ट्राई करना है इसको कैप करना है डेढ़ डिग्री तक मतलब डेढ़ से लेके कर दो डिग्री तक इन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि चलो यार डेढ़ की जगह अगर वन पॉइंट सेवन फाइव भी होता है तो इट इज़ ओके बट वी हैव टू ट्राई कि डेढ़ डिग्री तक तो नहीं बढ़ना चाहिए कौन सा आपका इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से ठीक है और दो तक तो बढ़ेगा ही बढ़ना ही नहीं चाहिए लेकिन हम डेढ़ डिग्री तक ट्राई करेंगे कि नहीं बढ़े और डेढ़ से लेके कर दो डिग्री तक हम ट्राई करेंगे कि हमारा नहीं बढ़े और अगर दो के ऊपर बढ़ गया तो दो दुनिया है वो तबाह होने वाली है और उसमें कोई डाउट नहीं है अब ये चीजें होंगी कैसे ये थोड़ा ना बैठक किया कि ठीक है हम नहीं करने देंगे नहीं करने देंगे तो भाई हो गया ऐसा नहीं होता है इसमें बेसिकली हर एक कंट्री जो है ना वो अपनी कमिटमेंट्स देती हैं और उन कमिटमेंट्स को हम बोलते हैं नेशनली डेटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस नेशनली डेटरमाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन्स ये बेसिकली क्या होता है ये बेसिकली हर एक कंट्री अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या देने वाली है इस दो डिग्री सेल्सियस या डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम रखने के लिए जो हर एक कंट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन्स अब इंडिया ने क्या कमिटमेंट दिया है कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इंडिया ने बोला है कि हम लोग जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है ना पर यूनिट जीडीपी पर यूनिट जीडीपी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर यूनिट जीडीपी उसको हम कितना करेंगे थर्टी थ्री परसेंट से लेके थर्टी फाइव परसेंट नीचे ले आएंगे किसके लेवल के हिसाब से 2005 के लेवल के हिसाब से कब तक 2030 तक सो so, हम जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है पर यूनिट जीडीपी उसको 33% परसेंट से लेके 35% परसेंट नीचे ले आएंगे कौन से लेवल के हिसाब से 2005 के रेफरेंस लेवल के हिसाब से और कब तक लाएंगे 2030 तक लाएंगे अब है कि भैया ये किस बला का नाम है ग्रीन हाउस गैस मिशन पर यूनिट जीडीपी कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री का हम ग्रोथ कैसे देखते हैं उसके जीडीपी के हिसाब से अब जीडीपी कैसे होगा डेवलपमेंट के हिसाब से ट्रेड के हिसाब से इंडस्ट्रीज के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अब ये फ्री फंड में तो होगा नहीं उसमें तो बहुत चीजें लगती हैं तो उन्होंने बोला कि अगर ये आपका वन परसेंट है इसको बढ़ाने के लिए अगर आपका सौ यूनिट एग्जाम्पल जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो हम ये तो, आ, दो हजार तीस तक अगर हम चार यूनिट बढ़ा रहे हैं तो उसको चार सौ यूनिट बढ़ना चाहिए था टेक्निकली इस चीज के हिसाब से हम इसको चार सौ यूनिट नहीं बढ़ाएंगे हम इसको कैसे करेंगे आपका थर्टी थ्री परसेंट के हिसाब से जो है हम घटा देंगे ये कमिटमेंट दिया था हमने आपके दो हजार इसमें जो है आपके नेशनल एनडीसी में हमने ये कमिटमेंट दिया था सेकेंड कमिटमेंट जो हमने दी थी दैट इज कमिटमेंट नहीं सॉरी नॉट कमिटमेंट कंट्रीब्यूशन जो हमने कहा था हम करेंगे वो ये है कि हम 2030 तक ना 40 प्रतिशत की जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं ना उसको नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू अटेन uh, करेंगे हाउ अब हमने इसको 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 परसेंट कर दिया हुआ है लेकिन ये 40 प्रतिशत आपको देखो ये पैराडॉक्स हो सकता है आपको पेपर में पूछेंगे कि 50 प्रतिशत कि चालीस प्रतिशत तो आप कहोगे कि 50 प्रतिशत का है बट जी नहीं जो आपका यहाँ पे जो हमने कमिटमेंट दिया था आपके पैरस एग्रीमेंट में उसमें हमने फोर्टी का कमिटमेंट दिया था और जो तीसरी हमने कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जो हमने बात की है दैट इज़ कि हम अपना फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएंगे जी हम इतना बढ़ाएंगे कि वो ढाई से लेके तीन बिलियन टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सक कर सके मतलब कार्बन सेक्विस्ट्रेशन के बारे में हमने बात किया था कि हम अपने जो फॉरेस्ट कवर है उसको ढाई से लेकर तीन बिलियन तक जो है हम बढ़ा देंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतना जो है हमारा वो सक कर ले कब तक कर ले जी 2030 तक कर ले याद रखिएगा ये बहुत जरूरी है इसको याद रखिएगा ये तीनों जो हमारे NDCs थे ठीक है नाउ थर्ड वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट चलो इट इज इंपॉर्टेंट हमको समझने के लिए नेक्स्ट इज यू एन सीसीडी देट इज योर कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन डिजर्टिफिकेशन का मतलब ये हो गया जो हमारा एरिड और सेमी एरिड जो है वो uh, यू नो खराबी हो रही है डिजोर्टिफिकेशन हो रहा है उनके बारे में जो हमने बात किया था नाउ दिस इज दी ओनली कन्वेंशन जो बेसिकली बात करता है आपके डिजोर्टिफिकेशन के बारे में ठीक है सो आपको पूछ सकते हैं कि डिजोर्टिफिकेशन कहाँ से आए तो ये रियो समिट से इसका ओरिजिन है ठीक है तो ये जो है ये बेसिकली बात करता है कि डिजोर्टिफिकेशन कैसे हमने रोकना है अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में ठीक है बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है राइट ऑल राइट नाउ ये हमने कुछ ओरिजिन के बारे में बात कर लिया आई टोल्ड यू कि हम आगे बात करने वाले हैं आपके यू uh, नो you know, uh, उन चीजों के बारे में जैसे कि यूएनएफसी की जो समिट कॉप ट्वेंटी सिक्स हुआ उन सब के बारे में बात करेंगे इसलिए मैंने आपको कॉप के बारे में सॉरी यू के बारे में बता दिया नाउ एक और चीज के बारे में जो हम बात करते हैं दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट राइट अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आया है बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम बहुत पहले से बात कर रहे थे लेकिन जो डेफिनेशन हम आज के टाइम पे बोलते हैं ना इंटर जनरेशनल इक्विटी के बारे में कि हमको इस तरीके से अपना इन्वायरमेंट बचाना है ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसका भी नुकसान ना हो और वो भी जो है यू नो आगे चल के जो है इन चीज़ों को यूज़ कर सके दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन वो आया था आपके कहाँ से आया था वो आया था आपके ब्रुट रिपोर्ट से कब आया है 1987 में सो ब्रुनलैंड रिपोर्ट में ब्रुनलैंड वॉज बेसिकली एक आपका कन्वेंशन जो हुआ था जिसमें एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट का नाम है आपका आर कॉमन फ्यूचर और फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया गया था डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या और हम इस चीज को क्यों चाहते हैं सो so, अगर आपको पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन कहाँ से आया है तो वो आर कॉमन फ्यूचर इज द रिपोर्ट जहां पे डेफिनेशन लाई गई थी एंड वेयर वॉज इट इट वॉज द ब्रूट Uh, जो आपका कन्वेंशन हुआ था 1987 में जिसमें हमने फर्स्ट टाइम जो है आपके डेफिनेशन uh, के बारे में बात किया था बेसिकली कन्वेंशन कमीशन था सो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट विच मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉन कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स हम कहते हैं ना कि ये जो इन्वायरमेंट है वो हमने उधार पर लिया हुआ है अपने आने वाली जनरेशन से तो ये हमारा अपना नहीं है ये हमने उधार के ऊपर दिया हुआ है तो यहां से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात होती है और फिर आपके मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स क्या थे फिर आपके एस गोल्स क्या थे उसको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे सो दिस वॉज बेसिकली अ जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन और रिपोर्ट्स के बारे में बात की है विच विल हेल्प यू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर करंट अफेयर्स ठीक है सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉप ट्वेंटी सिक्स के बारे में जिसमें इंडिया ने क्या कमिटमेंट्स दिया है और इंडिया क्या क्या करने वाला है इन ऑर्डर टू मीट दोज कमिटमेंट्स सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू